देश में काफी राज्यों में कोरोना के मामलों में तेजी देखी जा रही, तो काफी राज्यों में मामले तेजी से घट रहे हैं। आइए जानते हैं आज 20 दिसंबर 2021 को आपके राज्य में पिछले 24 घंटे में कितने केस मिले हैं। नंबर एक गुजरात में पिछले 24 घंटे में 51 नए मामले, मौतें कोई भी नहीं, 55 रिकवरी दर्ज की गई है, सक्रिय मामले 571 है। नंबर दो पश्चिम बंगाल में कोरोना वायरस के 565 नए मामले सामने आए हैं, 568 रिकवरी हुई है, 1 लोगों की कोरोना से मौत हुई, सक्रिय मामलों की कुल संख्या 7489 है। नंबर तीन पंजाब में पिछले 24 घंटे में 45 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं, 31 रिकवरी हुई है, 1 मौत दर्ज की गई है, सक्रिय मामले 319 है। नंबर चार हरियाणा में आज 37 नए कोरोना के मामले, 26 रिकवरी और कोई भी मौत दर्ज नहीं की गई, सक्रिय मामले 233 है। नंबर पांच तेलंगाना में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 134 नए मामले सामने हैं, 201 रिकवरी हुई है, 1 लोगों की कोरोना से मौत हुई है, सक्रिय मामले 3693 है। नंबर छह आसाम में कोरोना वायरस के 75 नए मामले सामने आए हैं, 133 रिकवरी हुई है, 2 लोगों की कोरोना से मौत हुई है, राज्य में सक्रिय मामलों का आंकड़ा 2329 है। नंबर सात कर्नाटक में आज कोरोना वायरस के 300 नए मामले सामने आए हैं, 279 मरीज ठीक हुए हैं, 1 लोगों की मौत दर्ज की गई है, राज्य में कुल सक्रिय मामले 7169 है। नंबर आठ उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे में 13 नए कोरोना के मामले आए हैं, 9 रिकवरी दर्ज की गई है, इस दौरान कोई भी मौत नहीं हुई है, सक्रिय मामलों की कुल संख्या 168 है। नंबर नौ तमिलनाडु में आज कोरोना के 610 नए मामले सामने आए हैं, 612 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं, 4 लोगों की मौत हुई है, तमिलनाडु में कोविड के सक्रिय मामले 7270 है। नंबर दस पौंडिचेरी में आज 6 नए कोरोना के मामले आए हैं, 25 रिकवरी दर्ज की गई है, 1 मौत हुई है, सक्रिय मामलों की कुल संख्या 151 है। नंबर 11 गोवा में कोरोना के 48 नए कोरोना के संक्रमण के मामले सामने आए हैं और कोरोना से 31 लोग ठीक हुए हैं, कोई भी मौत नहीं हुई है, सक्रिय मामले 406 हैं। नंबर 12 आंध्र प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 121 नए मामले सामने हैं, इस दौरान 228 लोग डिस्चार्ज हुए हैं, 1 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई, सक्रिय मामलों की कुल संख्या 1597 है। नंबर 13 राजस्थान में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 17 नए मामले सामने हैं, दौरान 35 लोग डिस्चार्ज हुए हैं, कोई भी मृत्यु दर्ज नहीं की गई, सक्रिय मामले 241 रह गए। नंबर 14 केरल में कोरोना संक्रमण के 2995 नए मामले सामने हैं, 4160 रिकवरी हुई है, 96 मौतें हुई है, सक्रिय मामलों की कुल संख्या 31307 है। नंबर 15 मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 15 नए कोरोना संक्रमण के मामले, कोई भी मौत नहीं, 14 ठीक हुए हैं, सक्रिय मामले 181 है। नंबर 16 झारखंड में कोरोना संक्रमण के 19 नए मामले सामने हैं, 14 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं, कोरोना से कोई भी मौत नहीं हुई, सक्रिय मामले 144 है। नंबर 17 हिमाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 29 नए मामले सामने हैं, 40 लोग डिस्चार्ज हुए हैं, 2 लोगों की मौत हुई है, सक्रिय मामलों की कुल संख्या 491 है। नंबर 18 मणिपुर में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 14 नए मामले सामने हैं, इस दौरान 22 लोग डिस्चार्ज हुए हैं, कोई भी मृत्यु दर्ज नहीं की गई, सक्रिय मामले 195 है। नंबर 19 बिहार में पिछले 24 घंटे में 6 नए कोरोना संक्रमण के मामले आए हैं, 2 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं, इस दौरान कोई भी मृत्यु दर्ज नहीं की गई, सक्रिय मामले 86 है। नंबर 20 उड़ीसा में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 193 नए मामले सामने आए हैं, इस दौरान 258 लोग डिस्चार्ज हुए हैं, 2 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई, सक्रिय मामले 1689 है। नंबर 21 त्रिपुरा में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 1 नया मामला सामने आया है, इस दौरान 12 लोग डिस्चार्ज हुए हैं, कोई भी मृत्यु दर्ज नहीं की गई, सक्रिय मामले 60 है। नंबर 22 महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 902 नए मामले सामने आए हैं, 767 की रिकवरी हुई है, 9 लोगों की कोरोना से मौत हुई, सक्रिय मामले 10747 हैं। नंबर 23 उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोविड के 23 नए मामले सामने आए हैं, 16 लोग डिस्चार्ज हुए हैं, कोई भी मृत्यु दर्ज नहीं की गई, एक्टिव मामलों की कुल संख्या 196 है। नंबर 24 राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 107 नए कोरोना वायरस के मामले सामने आए हैं, 50 रिकवरी है और कोरोना से 1 मौत हुई है, सक्रिय मामलों की कुल संख्या 540 है। नंबर 25 अरुणाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के कोई भी मामला सामने नहीं आया है, इस दौरान 3 लोग डिस्चार्ज हुए हैं, कोई भी मृत्यु दर्ज नहीं की गई, सक्रिय मामले 23 रह गए हैं। नंबर 26 छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 21 नए मामले सामने आए, इस दौरान 31 लोग डिस्चार्ज हुए हैं, कोई भी मृत्यु दर्ज नहीं की गई, सक्रिय मामले 332 है। नंबर 27 जम्मू कश्मीर में आज 136 नए मामले सामने आए, 142 रिकवरी हुई है, 1 मौत दर्ज की गई है, केंद्र शासित प्रदेश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 1451 है। नंबर 28 मेघालय में कोरोना संक्रमण के 8 नए मामले सामने हैं, इस दौरान 13 लोग डिस्चार्ज हुए हैं, कोई भी मृत्यु दर्ज नहीं की गई है, सक्रिय मामले 113 है। नंबर 29 मिजोरम में कोरोना संक्रमण के 33 नए मामले सामने आए हैं, इस दौरान 192 लोग डिस्चार्ज हुए हैं, कोई भी मृत्यु दर्ज नहीं की गई है, सक्रिय मामले 2598 है। तो ये थे आपके राज्यों के 24 घंटे की कोरोना केस रिपोर्ट। इसके अलावा भी किसी और राज्य की आपको कोरोना अपडेट चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हैं।